गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली करेंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कशन में आपका स्वागत है। यूपीएससी हर साल 30 से 35 क्वेश्चन करेंट अफेयर के रूप में पूछती है। ये 25 अलग अलग आयामों से कुछ महत्वपूर्ण स्रोत जैसे द हिंदू, मिंट, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, राज्यसभा टीवी इत्यादि से पूछे जाते हैं। इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों से हम आपके लिए करेंट अफेयर के टॉपिक लेकर आते हैं, उसे एमसीक्यू के रूप में डिस्कशन करते हैं। ये जुलाई महीने का हमारा 15वां डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, नेट ग्रीड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, आपको नेट ग्रीड के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले नेट ग्रीड को समझते हैं कि ये क्या है। नेट ग्रीड एक प्रकार का भारत में काउंटर टेररिज्म कार्यक्रम है, मतलब भारत में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए चलाया गया कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत भारत में किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि पर नजर रखने के लिए भारत में जितनी भी खुफिया एजेंसियां हैं, चाहे जितने भी आतंकवादी संबंधी गतिविधियों को रोकने के लिए जांच एजेंसियां हैं, उनके द्वारा जो भी आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं उनको एक जगह पर लाना, इकट्ठा करना और उनको एनालाइज करने के बाद भारत में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया उसे ही नेट ग्रीड कहा गया है। आंकड़े कहां से आते हैं, चाहे वो रो के माध्यम से इकट्ठा किया गया हो, टेलीकॉम सेक्टर से इकट्ठा किया गया हो, आईबी के द्वारा इकट्ठा किया गया हो, भारत में जो दूसरी अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके द्वारा इकट्ठा किया गया हो, बैंक से संबंधित जानकारी हो, आतंकवादियों के आवागमन से संबंधित जानकारियां हो, कोई भी जानकारी हो, उनको एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और उनको एनालाइज करने के बाद भारत में आतंकवादी गतिविधि को रोकने की कोशिश की जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि बिग डाटा का उपयोग करके भारत में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के कार्यक्रम को नेट ग्रीड कहेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या कहता है कि यह 20 से अधिक संगठनों से सूचनाओं के बिखरे टुकड़ों को टटोलने के लिए एक ऑनलाइन डेटाबेस है जो इंटेलिजेंस इनपुट की पीढ़ी को सक्षम बनाता है। यह बिल्कुल सही है। भारत में 20 से अधिक जो संगठन है उनसे आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है और इंटेलिजेंस इनपुट का उपयोग करते हुए भारत में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने की कोशिश की जाती है। दूसरा कथन क्या कहता है, नेट ग्रीड भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे में आता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारतीय नागरिकों को आरटीआई डालकर किसी भी प्रकार के जानकारी तक पहुंच को सक्षम बनाता है, लेकिन नेट ग्रीड के अंतर्गत जो भी आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं उसके बारे में आप आरटीआई डालकर पता नहीं कर सकते हैं। यानी कि दूसरा कथन गलत हो जाता है। आपको चूंकि सही पूछा गया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो आई होप आपने नेट ग्रीड को समझ लिया, आपने ये समझ लिया कि नेट ग्रीड के अंतर्गत इकट्ठा किया गया आंकड़ा आरटीआई के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अभी न्यूज में क्यों है, तो फ्रेंड्स, नेट ग्रीड ने एफआईआर और चोरी के वाहनों पर केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस तक पहुंच के लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इसके माध्यम से भारत में किसी भी प्रकार की चोरी या फिर वाहनों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की जो गतिविधि होती है उनको रोकने में मदद मिल पाएगा। समझौता ज्ञापन का मुख्य लक्ष्य यही है कि अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से बिग डेटा का उपयोग करके नेट ग्रीड में जो भी आंकड़े हैं उनका उपयोग करके चोरी से संबंधित गतिविधियों को भारत में रोका जाए। तो ये तो न्यूज थी करंट से संबंधित। अब जो प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है वो नेट ग्रीड क्या है उसके बारे में है। तो फ्रेंड्स, जब 2008 में भारत के मुंबई में 26/11 की घटना होती है उसके बाद एक कमी देखी गई। उस कमी में क्या था कि आतंकवादियों ने भारत में घुसकर हमला कर दिया। अब कोई भी भारत का संस्थान, चाहे वो रो हो, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो बैंक हो, टेलीकॉम सेक्टर हो, या फिर सड़क से संबंधित भारत की इकाइयां हो, या फिर समुद्र के से संबंधित जो भी भारत की इकाइयां हैं, वो अपने जानकारियों को किसी भी एक मंच पर लाने को तैयार नहीं थी।
कोई भी अपनी जानकारियों को भारत सरकार के साथ साझा करने को तैयार नहीं था। हालांकि सारी की सारी इकाइयां भारत सरकार के अंतर्गत ही हैं, लेकिन कोई भी एक स्थान पर अपने आंकड़ों को नहीं दे रहा था। तो इसी कमी को दूर करने के लिए नेट ग्रिड को गठित किया गया था, और इसके माध्यम से क्या किया गया कि सारी जानकारियों को अलग अलग सेक्टर से एक जगह पर इकट्ठा किया जाएगा, और उसके बाद उन आंकड़ों को एनालाइज करने के बाद भारत में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने का कार्य किया जाएगा। तो ये तो नेट ग्रिड था, आपने इसे समझ लिया। वो 2005 के आरटीआई एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है, जो भी आंकड़े नेट ग्रिड के अंतर्गत इकट्ठा किए गए हैं, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो इसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो जब 1977 से 1981 के बीच राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया गया था, उनकी सिफारिशों के आधार पर 1986 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को गठित किया गया। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि भारत में किसी भी प्रकार के अपराध या फिर आपराधिक गतिविधि से संबंधित कोई भी जानकारी हो, उनको एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, तो वो होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसके माध्यम से ये मदद मिलती है कि कौन सा राज्य ज्यादा आपराधिक गतिविधियों पर कार्य कर रहा है, कौन से राज्य में ज्यादा आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं, वो जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो कौन से सेक्टर के हैं, क्या वो बच्चों के मामले में है, महिलाओं के मामले में है, कत्ल से संबंधित हो, चोरी से संबंधित हो, इन सारे जानकारियों को अलग अलग नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में स्टोर करके रखा जाता है। आपने देखा होगा कि इसके द्वारा भारत में रिपोर्ट भी जारी की जाती है, और इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि कौन सा वो राज्य है जहां पर अभी आपराधिक मामले ज्यादा हैं। तो आपने इसे रिपोर्ट में के माध्यम से भी देखा होगा। जो डाटा इकट्ठा किया जाता है उसके अंतर्गत जो सीबीआई की इंटरफेस स्टेट क्रिमिनल डेटा ब्रांच है, या फिर सीबीआई के सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो है, बीपीआरएनडी की सांख्यिकी शाखा है, इन सारे से भी आंकड़ों को निकाल कर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अंतर्गत रखा जाता है। पुलिस के द्वारा जो आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, जो केस दर्ज किए जाते हैं, उनको तो किया जाता ही है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। एक अन्य बात, 2009 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी कि सीसीटीएन परियोजना के अंतर्गत निगरानी, समन्वय और कार्यक्रम क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कहने का यह मतलब है कि भारत में लगभग 15,000 से ज्यादा पुलिस स्टेशन, साथ ही 6,000 से ज्यादा हाई पुलिस कार्यालय यानी कि हाई पुलिस ऑफिस जो है उनको आपस में जोड़ा गया है। किसके अंतर्गत? सीसीटीएनएस के अंतर्गत। उसके माध्यम से क्या किया जाता है, जो पुलिस स्टेशन है वे अपने यहां जो भी आंकड़े हैं जिनको किसी के साथ साझा किया जा सकता है, उन आंकड़ों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और आपराधिक गतिविधियों को रोकने या फिर किसी अपराधी को पकड़ने में मदद करते हैं। तो ये सीसीटीएन है, इसे आपको ध्यान में रखना है। 2017 में क्या किया गया कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अंतर्गत जो भी डाटा इकट्ठा किया गया है उसका उपयोग ऑनलाइन माध्यम से कोई ऐसा व्यक्ति उस तक पहुंच सकता है जो किसी को किराए के रूप में रूम देता है, यानी कि किसी किराएदार को सत्यापित करने के लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अंतर्गत जो भी डाटा इकट्ठा किया गया है उसका उपयोग किया जा सकता है। उसी प्रकार से ड्राइवर के सत्यापन के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो अब आप इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी उसको आपने समझ लिया है। आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, डेलाराम जरंज हाईवे जोड़ता है किन दो देशों को जोड़ता है? अफगानिस्तान ईरान, चीन पाकिस्तान, अफगानिस्तान भारत, ईरान और पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स आप याद रख लीजिए, डेलाराम जरंज हाईवे जो है वो अफगानिस्तान और ईरान को जोड़ता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये काफी महत्वपूर्ण था, अभी न्यूज में क्यों आया था, क्योंकि ईरान जहां चाहबार जेरांद
रेलवे लाइन बिछाई जानी थी भारत सरकार के द्वारा, उसे ईरान ने स्थगित कर दिया है, क्योंकि 4 साल पहले भारत और ईरान के बीच चाहबार से लेकर जेहदान के बीच में एक रेलवे लाइन बिछाई जानी थी, उस पर समझौता हुआ था, लेकिन अब तक उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकी थी। उसके पीछे जो कारण भारत सरकार के द्वारा दिया गया, कहा गया कि अमेरिकी प्रतिबंध है ईरान में, तो इसलिए हम वहां पर कोई भी गतिविधि नहीं कर सकते। अब ईरान ने क्या किया है कि इस समझौते से वो बाहर आ गया है, और उसका कहना है, मतलब ईरान का कहना है कि हम इस रेलवे लाइन को खुद बिछाएंगे, और इसके लिए ईरान ने चीन से $400 बिलियन का समझौता किया है। अब वो पैसा चीन ईरान को देगा और ईरान इसका उपयोग करेगा इस रेलवे लाइन को बिछाने के लिए। तो ये इसलिए न्यूज में था। तो यहां कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप इसे देख लें। जेरंज जो है वो यहां है, डेलाराम यहां है, वो ये हाईवे है, और भारत के लिए ये चाहबार पोर्ट काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत को पाकिस्तान अपने बीच से होकर मध्य एशिया तक पहुंचने नहीं देता है। तो इसके लिए भारत ने एक रास्ता निकाला था जिसके अंतर्गत कांडला और मुंबई पोर्ट से सीधे सीधे जल मार्ग के माध्यम से चाहबार पहुंचा जा सकता था, जिसका निर्माण भारत के द्वारा ही किया गया है, और इससे रेलवे लाइन के माध्यम से जेरांद और उसके आगे सड़क मार्ग से अफगानिस्तान तक पहुंचा जा सकता था, और इसके आगे मध्य एशिया तक भी पहुंचा जा सकता था। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी, इसे आप ध्यान में रखें। इससे जुड़े हुए जो अन्य जानकारियां हैं जो आपसे पूछा जा सकता है, उसे आप ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। चाहबार पोर्ट ये मकरान तट पर स्थित है, आप मकरान तट को याद रखेंगे। चाहबार पोर्ट कहां है? मकरान तट पर, ईरान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। अगला जो महत्वपूर्ण है, बंदर अब्बास, ये ईरान का एक पोर्ट है और ये काफी महत्वपूर्ण पोर्ट है। उसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण पोर्ट है, बंदरगाह है, वो चाहबार पोर्ट ही है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ये ऊर्जा संपन्न सित्तान बलूचिस्तान प्रांत जो कि पाकिस्तान के अंतर्गत है, उसके बिल्कुल करीब में है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। और क्यों ये महत्वपूर्ण था, ये मैंने आपको बता दिया है, तो इसे आप ध्यान रखें। तो चाहबार पोर्ट के बारे में पूछा जाए कि ये कौन से तट पर है, तो आप याद रखेंगे मकरान पोर्ट पर है, ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर है। दूसरा, ये औद्योगिक हिसाब से ईरान के लिए बंदर अब्बास के बाद दूसरा महत्वपूर्ण बंदरगाह है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगर और ये भी पूछा जाए कि फारस की खाड़ी में जो सितान बलूचिस्तान प्रांत है उसके समीप है, तो आप कहेंगे कि जी हाँ है। तो इन सारी जानकारियों को आप एक से दो बार पढ़ें, आपको याद हो जाएगा। अगला क्या कहता है, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति क्या होता है। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण मामलों से संबंधित कोई भी गतिविधि हो, उस बात का आकलन करने के लिए भारत सरकार के अंतर्गत जो पर्यावरण मंत्रालय है उसके द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है, और उसी समिति को विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति कहा जाता है। ध्यान से सुनेंगे, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा पर्यावरण का नुकसान को आंकने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, और उसे ही विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति कहा जाता है। तो यह आपने देख लिया। अब आगे क्या कहता है कि यह संघ स्तर पर ही मौजूद है, यह गलत है। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति जो होती है वो केंद्र स्तर पर साथ ही राज्य स्तर पर भी हो सकता है, क्योंकि विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति क्या करती है कि यदि किसी क्षेत्र में उद्योग से संबंधित औद्योगिक गतिविधियां की जानी है, कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर उद्योग स्थापित किया जाना है, तो वहां पर उद्योग के स्थापित किए जाने से पर्यावरण को क्या नुकसान होगा उसको आंकने के लिए, उसका पता लगाने के लिए जिस समिति को कार्य सौंपा जाता है वो केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर गठित की जाती हैं। तो इसलिए जो विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति होती है वो केंद्र और राज्य दोनों ही क्षेत्रों में कार्य करती है। दूसरा, पहला कथन जो है वो गलत है। दूसरा कथन क्या कहता है, समिति पर्यावरण मंजूरी के सभी चरणों में शामिल है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो समिति होती है वो मुख्य रूप से उच्च स्तर में कार्य करती है। जो पर्यावरण से संबंधित मामले होते हैं
कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनको पंचायत देखती है, मतलब किसी क्षेत्र में पर्यावरण से संबंधित क्या नुकसान होगा या फिर वहां पर कोई मामला उलझ गया है तो उसको पंचायत के माध्यम से भी सुलझाया जाता है, जन सुनवाई की जाती है। तो जन सुनवाई से संबंधित जो भी मामले होते हैं उसमें विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति शामिल नहीं होती है, जबकि ये मामला पर्यावरण से ही संबंधित है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये जो समिति है वो पर्यावरण मंजूरी से संबंधित सभी चरणों में शामिल होती है, ये सभी चरणों में शामिल नहीं होती है। निचले स्तर पर जहां पर पंचायत कार्य करता है पर्यावरण के मूल्यांकन से संबंधित, वहां पर ये कार्य नहीं करती है। इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, तो इसे आप ध्यान रखें। अब क्या है कि आपको सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में यही जानना है कि विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति किससे जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। कौन गठित करता है इसे? पर्यावरण मंत्रालय, चाहे वो केंद्र सरकार के लिए हो राज्य सरकार के लिए हो, गठित किया जाता है। क्या सभी स्तर में मौजूद होता है? जी नहीं, जो जन सुनवाई का मामला होता है वहां पर गठित नहीं होता है। इसी से संबंधित एक और शब्द है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, यानी कि पर्यावरण प्रभाव आकलन। ये जो समिति होती है वो इस बात को देखती है कि कहीं पर किसी एक क्षेत्र में पर्यावरण, किसी एक क्षेत्र में उद्योग को स्थापित किए जाने से पर्यावरण को कितना नुकसान होगा, उसको जांचने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे ही एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कहा जाता है। यानी कि आप एक लाइन में ये समझें कि किसी जैव विविधता संपन्न क्षेत्रों में अगर औद्योगिक संस्थान को स्थापित किया जाता है तो उसके स्थापित होने से पर्यावरण को कितना नुकसान होगा, उसको आंकने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे ही एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कहा जाता है। इसे आप ध्यान रखें, न्यूज में क्यों था। तो फ्रेंड्स, अभी पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच सैटेलाइट डाउन रिंग रोड को स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है। तो आपको यह याद रखना है कि सैटेलाइट डाउन रिंग रोड कहां स्थित है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच स्थित है। ये जो परियोजना बनाई जा रही है, ये जो रोड का निर्माण किया जा रहा है वो ग्रीन फील्ड हाईवे है। ग्रीन फील्ड हाईवे मतलब वहां पर अभी किसी भी प्रकार का सड़क नहीं है, तो वो ग्रीन फील्ड हाईवे है। हालांकि यह भारत माला परियोजना का हिस्सा है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत क्या है उसे हम देखेंगे, लेकिन यह भारतमाला परियोजना का के अंतर्गत आता है। इसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। इसके माध्यम से यह होगा कि जो भी लोग तमिलनाडु और कर्नाटक के आसपास जहां पर यह रोड बन रहा है वहां पर बेहतर, तेज, सुरक्षित और सुचारू कनेक्टिविटी उपलब्ध इनको कराया जाएगा। इनके माध्यम से क्या कितना पैसा होगा ये सब आपको जानना नहीं है, लेकिन एक लाइन में बस आप ये जानिए कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से ये कहा गया है कि लगभग 12,111 पेड़ इस रोड को, इस सड़क को निर्मित करने के लिए गिराए जाएंगे, काटे जाएंगे, और 206 ऐसे व्यक्ति होंगे जो इससे प्रभावित होंगे। पता नहीं 206 कैसे होंगे। अगर हम बात करें भारतमाला परियोजना का, तो भारतमाला परियोजना जो है वो एक भारत में सड़कों का जाल बिछाने का कार्यक्रम है। एक लाइन में आप जाने, भारतमाला परियोजना जो है वो भारत में सड़कों का जाल बिछाने का कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत भारत में चाहे वो सड़क इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में हो, इंटर कॉरिडोर एंड फीडर रूट, नेशनल कॉरिडोर, इफिशियंसी इंप्रूवमेंट, बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड, कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे इत्यादि कोई भी सड़क हो निर्माण किया जाएगा तो वो भारतमाला परियोजना के अंतर्गत ही किया जाएगा। कहने का मतलब है कि भारत में जो 7500 से ज्यादा तटीय क्षेत्र हैं उनको आपस में जोड़ा जा रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, बंदरगाहों से विभिन्न शहरों को आपस में जोड़ा जा रहा है, भारत के जो प्रमुख शहर हैं उन शहरों को आपस में जोड़ा जा रहा है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं वहां पर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा रही है। मतलब भारत में आप कह सकते हैं कि सड़कों का, कनेक्टिविटी का जो जाल बिछाने का कार्यक्रम है वो भारतमाला परियोजना के अंतर्गत है, तो इसे आप ध्यान रखें। एक अन्य बात, ये जो कार्यक्रम है भारतमाला परियोजना वो
हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, लेकिन ये केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। मतलब इस कार्यक्रम को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर लागू करेंगे। इसे आप ध्यान रखेंगे, जो पैसा आएगा वो सड़क और राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत आएगा। एक अन्य बात, भारतमाला परियोजना का सफल होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर भारतमाला परियोजना सफल होती है तो इसके माध्यम से सागरमाला परियोजना, सागरमाला मतलब जो भारत का तटवर्ती क्षेत्र है वहां पर कनेक्टिविटी को बेहतर करना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो भारत में सड़क माफ कीजिएगा रेल रेल के माध्यम से पूरे भारत को जो जोड़ने का कार्यक्रम किया जा रहा है उसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहा गया है। तो ये भी सफल होगा कब, जब भारतमाला परियोजना सफल होगा। औद्योगिक गलियारे का निर्माण किया जा रहा है वो भी सफल होगा जब भारतमाला परियोजना सफल होगा। वैसे ही भारत नेट, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, इन सभी के सफल होने के लिए भारतमाला परियोजना का सफल होना आवश्यक है। तो आप इसे भी ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का चौथा प्रश्न क्या कहता है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा या तो कौन से अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम के संदर्भ में सही है। यहां पर दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम के बारे में दिया गया जानकारी में से कौन सा सही है। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम क्या है। तो फ्रेंड्स, विश्व बैंक के द्वारा एक मंच उपलब्ध कराया जाता है जहां पूरे विश्व के 199 देश आते हैं और यहां पर अपने कुछ सांख्यिकी आंकड़े जैसे कि पीपीपी यानी कि क्रय शक्ति क्षमता, जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित आंकड़ों को रखते हैं और विश्व के सभी देश उन आंकड़ों के आधार पर खुद को तुलना करते हैं कि हम वैश्विक लेवल पर पीपीपी यानी कि क्रय शक्ति क्षमता और जीडीपी के मामले में कहां खड़े हैं, कौन सा देश आगे बढ़ रहा है, कौन सा देश अभी स्थिर है, कौन सा देश का विकास दर बहुत तेज है, कौन सा देश का विकास दर कैसा है, इन सब को आकलन करने के लिए एक मंच के रूप में विश्व बैंक के द्वारा उपलब्ध कराया गया स्थान है। तो अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम क्या है आपने समझ लिया। अब हम देखते हैं दो कथन जो दिए गए हैं वो क्या कहते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के तत्वाधान में विश्व बैंक के नेतृत्व में एक विश्वव्यापी सांख्यिकी पहल है। बिल्कुल सही है, विश्व बैंक के द्वारा कहा गया, विश्व बैंक के द्वारा यह संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के द्वारा विश्वव्यापी सांख्यिकी पहल है। विश्वव्यापी सांख्यिकी पहल मतलब पूरे विश्व के 199 देश यहां आएंगे, आने के बाद अपने जीडीपी और पीपीपी से संबंधित आंकड़ों को रखेंगे और वो एक दूसरे के साथ तुलना करेंगे कि कौन सा देश कहां खड़ा है। दूसरा कथन क्या कहता है, भारत में 1970 में अपनी स्थापना के बाद से सभी आईसीपी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम के दौर में भाग लिया। बिल्कुल सही है, जब से 1970 में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है तब से भारत इसका हिस्सा रहा है। अपने आंकड़ों को भारत साझा करता है और पूरे विश्व के साथ तुलना करता है, देखता है कि भारत की क्रय शक्ति क्षमता कितनी है, भारत की जो रुपया है उसकी वैल्यू पूरी दुनिया में कितनी है, हम कितने ताकतवर हैं, कितने कमजोर हैं, इन सबको आंकने के लिए भारत इसी मंच का उपयोग करता है। इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, आप ध्यान रखें। वर्तमान में जो अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम के का चरण चल रहा है वो 2017 का है, जो इसका अगला चरण आयोजित किया जाएगा वो 2021 में होगा, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 199 देश इसमें शामिल होते हैं, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। ये क्या है यहां पर लिखा हुआ है, हम जो पीडीएफ उपलब्ध कराएं उसके माध्यम से आप इसे देखकर समझ लें। हमारे डिस्कशन का पांचवा प्रश्न क्या कहता है, चूराचंदपुर माओ फॉल्ट जोन किसके साथ जुड़ा हुआ है। यहां पर चार नामों में नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन, दक्षिण चीन सागर क्षेत्र, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यूरेशियन कन्वर्जेंस प्लेट। आपको बताना है चूराचंदपुर माओ फॉल्ट जो है वो कहां पर है। तो फ्रेंड्स, ये चूराचंद माओ फॉल्ट, एक तो चूराचंद है, चूराचंदपुर है, और दूसरा है माओ, ये दोनों जो है वो मणिपुर में है।
इन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर मणिपुर में एक फोल्ट का निर्माण होता है। फोल्ट का मतलब दरार का निर्माण होता है। ये इसलिए न्यूज में था फ्रेंड्स क्योंकि अभी यहां पर भूकंप संबंधी गतिविधियां देखी गई हैं। तो आप इस क्वेश्चन के हिसाब से कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन, आपसे ये पूछा जाए कि चूराचंद माओ फोल्ट कहां है, तो बताएंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन। इस क्षेत्र में अभी भूकंप संबंधित गतिविधियां देखी गई। दिल्ली में भी बार बार 14-15 बार तो 2-3 महीना में आ चुका, तो आप इसे भी ध्यान रखें। ये आप देख सकते हैं, ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और चूराचंदपुर जो फोल्ट है वो यहां पर है, माओ जो है वो यहां पर है। तो इन दोनों के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, चूराचंद माओ फोल्ट। यहां क्या हो रहा है कि एक प्लेट जो है वो इस तरह से ऊपर जा रही है, दूसरा प्लेट जो है एक जो है सो ऊपर जा रही है, दूसरा जो है नीचे आ रही है। इसके माध्यम से क्या हो रहा है कि दोनों में रगड़ हो रही है और जब रगड़ हो रही है तो भूकंप आ रहा है। तो इसे आप जानते हैं, वहां पर आपने निश्चित रूप से भूगोल में पढ़ा होगा, जो करंट से संबंधित जानकारी है वो इसे आप याद रखेंगे। ये कहां है, चूराचंद माओ फोल्ट तो मणिपुर में है। फोल्ट में किस तरह से भूकंप उत्पन्न होता है यहां पर ये दिखाया गया है इमेज के माध्यम से, आप इसे भी देख सकते हैं। हमारे डिस्कशन का कुछ मिसलिनियस टॉपिक है जो पूछा जा सकता है क्योंकि यूपीएससी ने 2017-18 में और 19 में भी नामों से संबंधित प्रश्न पूछी हुई है, तो आप ध्यान रखेंगे। क्या कहता है, नागोर्नो काराबाख ये एक जगह का नाम है, ये कहां है आपको पूछेगा तो आप बताएंगे कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का जो ये जो क्षेत्र है, जो स्थलरुद्ध क्षेत्र है यानी कि आप कहेंगे सीमाबद्ध क्षेत्र है, वहां पर स्थित है। तो आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस आप ये जानिए कि ये अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में स्थित है। अगर ये पूछा जाए कि ये काराबाख पर्वत श्रेणी में दक्षिण काकेसस क्षेत्र में है, तो आप कहेंगे कि जी हाँ है। इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, आतरसाख नाम से भी इसे जाना जाता है, आतरसाख, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी इनके संबंध में, आप इसे ध्यान रखें। डल झील के बारे में भी, डल झील भी अभी न्यूज में थी तो इसे भी आप ध्यान रखें। डल झील जो है उसे, ये तो श्रीनगर मतलब जम्मू कश्मीर में है, जो भारत की क्या है, भारत की यूनियन टेरिटरी है वहां स्थित है। तो इसे डल झील को श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है, जम्मू कश्मीर का मुकुट भी कहा जाता है। ये 18 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और तीनों ओर से 18 किलोमीटर का क्षेत्र में ये झील नहीं फैला हुआ है, 18 किलोमीटर के क्षेत्र में इसका पूरा मतलब छोटे छोटे जो इकाइयां हैं वो फैली हुई हैं। ये तीनों ओर से शंकराचार्य पहाड़ियों से घिरी हुई हैं। जम्मू कश्मीर की दूसरी बड़ी झील है और जो जम्मू कश्मीर की पहली बड़ी झील है वो वुलर झील है, जो कि झेलम नदी के किनारे स्थित है। वुलर झील न सिर्फ जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी झील है बल्कि ये भारत की भी सबसे बड़ी झील है। जम्मू कश्मीर झील जो है वो बहुत सारे झीलों को मिलाकर बनती है, उनमें मुख्य रूप से गागरीबल, लोकुट डल, बोड डल और नागिन, इन झीलों को मिलाकर वुलर झील बनती है। तो इसे आप ध्यान रखें, यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलती हैं वो आपको जानना नहीं है। ये है श्रीनगर और उसके नीचे डल झील, इसे आप देख सकते हैं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। एक अन्य और आई होप कि ये लास्ट हो, तो ये कहता है कि विश्व युवा कौशल दिवस, आपको इसमें बस यही याद रखना है कि विश्व युवा कौशल दिवस जो है वो 15 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि कल मनाया गया था विश्व युवा कौशल दिवस। 2014 से मनाया जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे मनाने की घोषणा की गई थी। 2020 का जो थीम था वो उत्साही युवाओं के लिए कौशल था, इसे आप ध्यान रखें। ये इस बार 5वां वर्षगांठ इसका मनाया गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का डिस्कशन था, काफी लंबा हो चुका है, आप हमारे साथ बने रहे। थैंक यू वेरी मच।